सो मेरे भाई लोग, ये था भाई प्रीव्यू। आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह की रील आज हम बनाने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है भाई देखने में और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। तो अपने मोबाइल को पहले तो भाई हॉरिजॉन्टल कर लो, क्योंकि ये वीडियो कुछ हॉरिजॉन्टल ही होने वाली है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक PNG भाई क्रिएट करना होगा, ऐसा जैसा ये मैंने आपको प्रीव्यू में जो वीडियो चल रही है। तो PNG बनाने के लिए आपको यहाँ पर पिक्सल लैब में आ जाना है। तो जिन बंदों को PNG बनाना आता है, तो फिर भी यार आप देख लो, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको एक इमेज साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहले वाले 1280 को यहाँ से कट कर देंगे, दूसरे मतलब यहीं पे, और 722 लिख देंगे उसकी जगह। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो आप चाहें तो यार वैसे भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं। पहले भाई हम यहाँ फ्रॉम गैलरी में जाके ये वाला फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला वॉलपेपर। ये वाले वॉलपेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना। और इसको 1:1 भी आप रख सकते हो, तो ये वाले वॉलपेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और जिन बंदों से डाउनलोड नहीं हो भाई, मतलब कि डाउनलोड समझ में नहीं आ रहा कि लिंक से कैसे डाउनलोड करें वॉलपेपर, तो एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि लिंक से मटेरियल कैसे डाउनलोड करें, उसको देख लेना और आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप डाउनलोड करना भी सीख जाओगे भाई लोगों। और जिन बंदों से भाई XML इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो वो भी उस वीडियो को देख लेना जो मैंने लिंक में दी हुई है, XML कैसे डाउनलोड करें और इंपोर्ट कैसे करें पिक्सल लैब में, देख लेना। अब इसके बाद आपको 1:1 रखने के बाद इसका साइज आपको एडजस्ट कर लेना है मेरे भाई लोगों, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो वैसे तो आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब भाई मैंने आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि बहुत बंदे कह रहे थे भाई अमित आहन फंट का वो दे दो। फाइनली मैंने वो ढूंढ लिया है उसमें, मतलब कि जो मतलब उसको नाम नहीं मिल रहा था। तो पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी शायरी कॉपी कर लेना है, मैंने गूगल में लिखी हुई है, आप जो भी आप शायरी लिखना चाहते हो, मैं तो यहाँ से सिंपली कॉपी कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अब आपको खोलना है भाई इंडियन फंड कन्वर्टर ऐप भाई। पिक्सल लैब में आप चाहो तो ऐसा फंड भी यूज़ कर सकते हो, पिक्सल लैब कहाँ से आ गया भाई। आपको क्या करना है, इंडियन फंड कन्वर्टर ये वाला ऐप आपको यूज़ करना है। इस ये भाई प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाओ सर्च करो इंडियन फंड कन्वर्टर और डाउनलोड कर लो। फिर आपको क्या करना है, ये वाले फंड पे क्लिक करना है, यूनिकोड श्रीदेव। आपको फिर यहाँ पे अपनी शायरी को पेस्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे यूनिकोड श्रीदेव 708 पर। फिर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई लोगों, तो कॉपी कर लेंगे, तो इसके ABCDZQ जो भी है वो कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से पिक्सल लैब में आ जाना है। किधर गया भाई, ये रहा यहाँ पे पिक्सल लैब में आने के बाद न्यू टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे पेंसिल पर क्लिक करके, और यहाँ से उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी हमने वहाँ से कॉपी किया था भाई लोगों। तो हमने ये कुछ वहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद इसका आपको क्या करना है, इसका एक मिनट, फंट में जाना है आपको, ये फंट में जाना है, यहाँ पे आएंगे, अभी देखते रहो बस आप माय फंट में जाके, ये 3rd नंबर पे जो फंट आपको देखने को मिल रहा है अमित आहन, इसको सेलेक्ट कर देना है, आपकी शायरी हिंदी में हो जाएगी। इस फंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके इंपोर्ट कर ऐड कर लेना पिक्सल लैब में। अगर आप लोगों से पिक्सल लैब में फंट ऐड नहीं हो रहे, तो एक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि पिक्सल लैब में फंट कैसे ऐड करें। उसके बाद आपको एलिगिन में आ जाना है, तो एलिगिन में आने के बाद आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगी शायरी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू टेक्स्ट, एक मिनट में यहाँ पे डॉट डॉट लगा लेता हूँ 3 अक, तो इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा सा लगने लगेगा। और क्या आप चाहो तो जो फुल स्टॉप रहता है उसको भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आपको इसकी शैडो को इनेबल कर देना है, शैडो का कलर हम यहाँ पे ब्लैक ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ शैडो को इनेबल कर देना है। इनर शैडो को इनेबल करने के बाद बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और इसका शैडो आपको क्या करना है, इनर शैडो की बात कर रहा हूँ वो वाइट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भाई लोगों, स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको भी इनेबल कर देंगे, और यहाँ से कलर भी आप जो चाहें वो रख लेना। अब इतना होने के बाद आपको शायरी को सेलेक्ट करना है जो हमने शायरी क्रिएट की है। उसके बाद आपको आधी शायरी ऊपर वाली एक लाइन को सेलेक्ट करके कलर को जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हो, मैं यहाँ पे ब्लैक कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, जो HQZHMO जो भी लिखा हुआ है, और उसको कलर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे इसका स्काई ब्लू कर ले रहा हूँ भाई लोगों। अब इतना होने के बाद हमको क्या करना है यहाँ पे, अब इतना होने के बाद फाइनली इसको भाई ट्रांसपेरेंट करके ऐड कर, मतलब कि उसमें भाई PNG में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम डाल देना, और दो से या तीन इमोजी ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ पे पहले तो अपने अकाउंट का नाम ही डाल देता हूँ, JJBrother69। और इतना होने के बाद इसको यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद आप लास्ट में आएंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा भाई, कहाँ गया भाई, एक मिनट,
पहले तो आप फंड ही चेंज कर लो। चलो फंड में जाएंगे, कोई भी फंड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास काफ़ी सारे फंड हैं, मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे कौन काफ़ी सारे फंड हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जो फंड इनमें दिख रहा है, अगर आपको कोई सा भी फंड यहाँ पे चाहिए तो भाई फंड का वो कमेंट कर देना, मैं वो फंड भेज दूंगा आपको। और बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जिनसे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पर जाके सीधा सर्च कर दो टेक विद जैक, और भाई उसके आगे एक ईगल का PNG लगा हुआ आ जाएगा, उसको मतलब ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, फंड वगैरह सब चीज़ वहीं पे मिलती रहती है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे फंड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि फंड सही से ऐड हो जाए। तो ये फंड यहाँ पे फाइनली ऐड हो चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से पहले तो इसका 3D शैडो को इनेबल कर देना है। ये रहा भाई 3D शैडो किधर गया, और इसका कलर भी तो चेंज करना है। तो पहले तो कलर चेंज करते हैं, भाई मैं क्या ढूंढ रहा था, 3D शैडो यहाँ पे मिल गया। उसके बाद आपको इसकी तीनों लेयर को आपको बिल्कुल फुल कर देना है यहाँ पे, और कलर आप जो है सेलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, चलो भाई यहाँ पे स्काई ब्लू कर लेते हैं भाई लोगों, क्योंकि स्काई ब्लू ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो रखने वाले हैं हम वो सायरी का, वो यहाँ पे वाइट रखेंगे। उसके बाद इसको नीचे ला के और उसको थोड़ा सा ऊपर करके अब यहाँ पे भी दो या तीन इमोजी ऐड कर देना भाई, आपकी मर्ज़ी है कितने भी करो, लेकिन तीन तो भाई सही लगेंगे, आप तीन ही ऐड करना यहाँ पे। जो आपकी सायरी पे जो आपने सायरी की लाइन लिखी है ना, जो उस पर सूट कर रहे हो, ऐसे इमोजी आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ये वाला फायर वाला, डेविल वाला और एक ईगल वाला, फाइनली मैंने यहाँ पे तीन इमोजी को ऐड कर लिया है और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ से इसको भी भाई ए बी करके फंड में जाएंगे, आईफोन फंड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये रहा iOS 14, ये मैक्सिमम सब बंदों के पास होगा, अगर ना हो तो कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। उसके बाद इसका 3D शैडो को इनेबल कर देंगे भाई लोगों, जैसे कि मैंने किया है। और 3D शैडो का कलर भी आप स्काई ब्लू कर देना, कहाँ गया भाई डार्क स्काई ब्लू, एक मिनट। हाँ ये रहा, फाइनली अपना PNG बन के तैयार हो चुका है, अब इसमें कोई कमी नहीं रही है। तो इसको कर लेंगे ट्रांसपेरेंट में, बाकी भाई यहाँ पे सॉरी इसका कलर रह चुका है JJ ब्रोदर जो लिखा हुआ है, और इसको मैं कर लेता हूँ। पहले तो इसका स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा बंद हो चुका है, अब कुछ कमी रही नहीं है, तो आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर लेना है। बस मैं इसका कलर चेंज कर दूं भाई, इसका मैं कलर चेंज करना भूल गया था, आप कोई भी कलर इसका यहाँ पर रख सकते हो। तो रेड मैंने रख लिया, अब फाइनली बंद तो चुका ही है। तो इसका करने के बाद आपको ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव एज इमेजेस कर लेंगे, और क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। मैंने यहाँ पे अल्ट्रा कर लिया, तो आप भी चाहो तो अल्ट्रा कर सकते हो। अब इतना होने के बाद अब आपको आ जाना है भाई लोगों अलाइट मोशन में, और जिन बंदों का भाई अलाइट मोशन पेड मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, या फिर वहाँ से वाटरमार्क नहीं हट रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करो। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई यहीं पे भी तो दे सकते थे, भाई अलाइट मोशन यहाँ पे नहीं दे सकते थे विदाउट वाटरमार्क, क्योंकि भाई उस पर स्ट्राइक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आपको एक XML की ज़रूरत होगी जिसका नाम है डॉट वायरल इफेक्ट @TechWithJack, ये इफेक्ट का प्रीसेट है भाई, प्रीसेट XML, आप आई होप समझते होंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लेना। और जिनसे ना हो फिर कह रहा हूँ, एक और वीडियो का लिंक दिया हुआ है ना कि XML लिंक से मटेरियल कैसे डाउनलोड करें और XML इंपोर्ट कैसे करें अलाइट मोशन में, तो उसको देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे वाली लेयर पर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको इधर 3 डॉट देखने को मिलेंगे भाई लोगों, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे कॉपी इफेक्ट आ जाएगा, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस हरी वाली जो हमने राउंडेड रेक्टेंगल है, इस पर क्लिक करके ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर देंगे। फाइनली अपना काम हो चुका है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अपने भाई इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, PNG को जो हमने क्रिएट किया था, ये रहा। और ये भाई कितना है, ये थोड़ा 10 सेकंड का रहा है, तो 7 मिनट 11 सेकंड का आप इसको कर लेना। तो मैंने कर लिया है फाइनली 7 मिनट 11 सेकंड का। उसके बाद इसको कर देंगे यहाँ पे, फाइनली बन तो चुका है। अब आपको यहाँ पे खाली खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये खाली खाली स्पेस पर होल्ड करके रखना है और इसको ऐसे करके नीचे ले आना है। सबसे नीचे ले आएंगे तो इसमें इफेक्ट जो भी हैं वो हमारे ऐड हो चुके हैं फाइनली। चलो ऊपर ले जाएंगे तो फीका फीका रहेगा, तो नीचे ला के जैसे आप इसको ऐसे करके नीचे लेकर आएंगे ना, JJ ब्रदर 69 दोनों लेयर के नीचे, तो इसमें इफेक्ट ऐड हो चुके हैं यहाँ पे भाई। सॉरी भाई 7 मिनट 12 का ऐड हो गया है यहाँ पे, 7 मिनट मैं 11 का कर देता हूँ यहाँ पे। अब 7 मिनट का क्यों बोल रहा हूँ भाई, 7 सेकंड का हो गया, सॉरी वेरी वेरी मच, क्योंकि गलती से बोल दिया। अब इसके बाद आपको इफेक्ट पे जाना है, इस फोटो पर क्लिक करके और पेस्ट इफेक्ट कर देने हैं।
फाइनली अपने इफेक्ट जो है यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। आप वीडियो भी अपना बन के हो चुका है तैयार, तो आप प्रीव्यू भी देख ही सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ये वीडियो, और इसका XML भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना अलाइट मोशन में, तो इसको एडजस्ट कर लेना। बाकी ये मैं एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ अपने पास से थोड़ा सा करने के लिए, आप इसको एडजस्ट कर लेना। और अगर आपसे डाउनलोड ना हो ना भाई, मतलब XML या लिंक से कोई भी मटेरियल डाउनलोड ना हो, या आपसे भाई क्या बोलते हैं अमित आहन फंट डाउनलोड ना हो, तो आप क्या करना, एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि लिंक से मटेरियल कैसे डाउनलोड करें, उसको देख लेना। वो 10 मिनट का वीडियो है, शुरू के 5 मिनट में मैंने बताया है कि XML डाउनलोड कैसे करना है, और लास्ट के 5 मिनट में बताया कि XML को इंपोर्ट कैसे करते हैं अलाइट मोशन में। अगर आपको कोई भी भाई ऐप चाहिए फ्री प्रीमियम, जो प्रीमियम वर्जन होते हैं ऐप के, प्रीमियम जैसे कैपकट हो गया, इनशॉट हो गया, अलाइट मोशन हो गया, पिक्सल लैब हो गया, पिक्सल लैब तो मैं यही वाला यूज़ कर सकता यही करता हूँ, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही वाला यूज़ करें। तो जिनको भी भाई विदाउट वाटरमार्क ऐप चाहिए, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम, और अलाइट मोशन विदाउट वाटरमार्क आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो भी फाइनली अपनी एक्सपोर्ट हो चुकी है, मैं वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको दिखा देता हूँ प्ले करके किस टाइप से बनी है। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेंगे, ये रहा सेव का ऑप्शन, सेव पे क्लिक करेंगे या गैलरी में पहुँच जाएगी। अब देखो आपको मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ वीडियो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तो वीडियो हो चुकी है बनके तैयार, तो बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर भाई कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट कर देना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। तो भाई मिलते हैं कल फिर एक और नए ऐसे भाई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई लोगों, बाय बाय टाटा भाई मेरे भाई लोगों।